आज मैं आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में बताऊंगा। और ये जनरली क्लास फोर का टॉपिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्पीड क्या होता है। स्पीड ये वो चीज़ है जो एक लिमिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि कोई बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ने जाता है कोई सुबह, तो कितना समय में कितना दूरी तय किया, या फिर गाड़ी चल रही है तो वो एक लिमिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको स्पीड कहते हैं। दूसरा आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब मान लीजिए यहाँ से अगर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से मार्केट का दूरी कितना है, या मार्केट का दूरी कितना है उसका डिस्टेंस मीटर में है किलोमीटर में है, तो उसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं। और टाइम तो आपको पता है, आप हर लोग घड़ी देखते हैं, मिनट सेकंड या घंटे में चलते रहती है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इस चीज़ में स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला बताऊँगा क्या होता है स्पीड डिस्टेंस और टाइम का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। और ये इस स्पीड को हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इस स्पीड को हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। लेकिन ये डिनोट करने से पहले आपको गौर करिएगा, जब भी आप इसको इसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो आप इसे हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करिएगा, कैपिटल लेटर में मत करिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, देखिए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम को मैं यहाँ पे एस इक्वल टू डी बाई टी में भी लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरह को इसको इस तरीके से भी हो सकता है, डी इक्वल टू एस इनटू टी। इसको देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। फिर इसका देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसको देखिए, तो इसको मैंने यहाँ पर पहले से डिनोट करके रखा है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स पे चलूँ तो पहला एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ, जैसे अ ट्रेन कवर्स 550 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या यहाँ पे दिया है, डिस्टेंस यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ डिस्टेंस और ये क्या है, इस जगह पे टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर निकालना क्या है हमें, स्पीड। तो जब भी इसे हम बनाना शुरू करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो पहले आंसर में बनाने वक्त हम लोग पहले इधर लिख लेंगे कि क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। जैसा मैंने पहले यहाँ पर लिख के रखा, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, मैंने बताया यहाँ पे कि डिस्टेंस को डी में भी स्मॉल डी में भी डिनोट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 550। और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया 550 किलोमीटर। फिर ये टाइम हो गया, टाइम को टी भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5 आवर्स। इसके बाद देखिए जब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको पहले से बता दिया है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसको एस इक्वल टू डी बाई टी भी डिनोट कर सकते हैं। इस जगह पर देखिए मैंने स्मॉल लेटर में पहले से डिनोट करके रख दिया कि एस इक्वल टू डी बाई टी। डी का मतलब डिस्टेंस, तो मैंने सबसे पहले डिस्टेंस का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पर टाइम का वैल्यू पुट कर दिया नीचे, क्योंकि नीचे डी बाई टी है। तो देखिए यहाँ पर 5 से 540 108 टाइम में कटेगी। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, जब भी यहाँ पर डिस्टेंस या टाइम का जब भी वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू लिखने के वक्त हम लोग उसका ये यहाँ पर यूनिट्स पे गौर करिएगा, यूनिट, तो साथ में हम लोग वहां पर यूनिट जरूर लिखेंगे। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आंसर तो आपका सही होगा, लेकिन यूनिट ना लिखने की वजह से हो सकता है आपका एग्जाम में या कहीं भी नंबर कट सकता है। तो इसलिए एक चीज जरूर गौर करिएगा, इसका यूनिट जरूर इधर लिखिएगा। तो यहाँ पे 5 से 541 108 टाइम में कटा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो फ्रैक्शन में लिखा है,
तो ये किलोमीटर किलोमीटर और आवर भी यहाँ फ्रैक्शन में होगा। तो उसी प्रकार जब कटने के बाद जब हम लोग यहाँ पर 108 लिख रहे हैं तो ये किलोमीटर को हम लोग इस तरह फ्रैक्शन में डिनोट कर देंगे। ठीक है, आप लोग को और समझने में अगर दिक्कत हो तो मैं आगे डिस्टेंस और टाइम का एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा था, तो एक मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कार कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, तो ये इतना ही दूर में आपको ये डिस्टेंस का मिल गया। फिर उसके बाद दे रहा है मतलब कार कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आपको स्पीड भी मिल गया। उसके बाद क्या है, हाउ मच टाइम डज इट टेक, यानी कि इस स्पीड से चलने पर इतना किलोमीटर जाने मतलब डिस्टेंस इस स्पीड से चलकर इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वो डिस्टेंस कवर करने में एक कार कितना टाइम ले रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम। तो जो चीज हमको फाइंड करना है बस हम उसी चीज का फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने पर सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, क्या क्या मेरे पास पहले से है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और दूसरा स्पीड, तो उसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे। थोड़ा देर पहले बताया था कि डिस्टेंस को डी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ऐसे एक कॉमा देके डी कर दिए और 120 किलोमीटर यहाँ पे जैसा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या फाइंड करना है, टाइम को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया गया, टी इक्वल टू डी बाई एस, इसका मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे हम, देखें टी इक्वल टू 120 किलोमीटर बाय 50। तो एक चीज और बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वैल्यू पुट करने के समय साथ में यूनिट को भी हम लोग पुट करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, किलोमीटर और स्पीड का यूनिट यहाँ पे क्या दे रहा है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जीरो, ये आप ऐसे कर सकते हैं, 120 को अगर 50 से काटते हैं तो कितना आएगा, लगभग 2.4 आएगा आपके पास। तो यहाँ से सबसे पहले इसको अगर काटते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.4। और यहाँ पर देखिए ये जब भी फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या के साथ अगर और कुछ फ्रैक्शन में लगा रहे हैं तो उसका सबसे निचला संख्या, या फिर ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तो फ्रैक्शन में बटा में नीचे किलोमीटर पर आवर है, तो जब कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ से किलोमीटर और किलोमीटर कटता है तो ये बाई में नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये दोनों कटने के बाद नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 आवर्स। तो इसमें इस जगह पे होता क्या है कि फ्रैक्शन का निचला संख्या में अगर भी अगर इस जगह पे फ्रैक्शन में हो जाए तो उसका सबसे निचला हिस्सा जो होता है या फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर न्यूमरेटर के पास चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आवर्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे किलोमीटर और किलोमीटर कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2.4 आवर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.4 आवर, यानी कि तो मेरे
एक कार को इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 2.4 आवर्स। अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दे कि क्या समझने में दिक्कत हुई। अगर दिक्कत नहीं हुई तो और इस चैप्टर का और कुछ क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और ट्राई करें कि आपसे हो पाती है या नहीं।